नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुपिटर एज पे लेटर वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। जो लोग नहीं जानते हैं कि जुपिटर एज क्या है, उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पहले ये जो एप्लीकेशन था, प्ले स्टोर पर आपको बुलेट नाम से देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया है। अब इसका नाम जो है जुपिटर एज हो गया है। और जुपिटर एज सिर्फ आपको पे लेटर ही नहीं बल्कि बैंक सर्विस भी प्रोवाइड करती है। जुपिटर बैंक में भी आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो आज से कुछ टाइम पहले, लगभग 10 से 15 दिन पहले, मैंने एक वीडियो बनाकर दिया था जिसमें मैंने आपको जुपिटर एज एप्लीकेशन किस तरह से डाउनलोड करना है और कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है वो मैंने आपको बताया था। लेकिन उस टाइम जो था, हमारा जो एप्लीकेशन था वो वेट लिस्ट में चला गया था। और उसके बाद में वहां पर बताया गया था कि इस वेट लिस्ट को खत्म होने में कपल ऑफ वीक लग सकते हैं, यानी 1 से 2 हफ्ता लग सकता है। तो वो 1 से 2 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा जो जुपिटर एज वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो उससे आगे होना शुरू हो चुका है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और जुपिटर एज पे लेटर एक काफी अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहां पर जो भी आपको लिमिट मिलता है उस लिमिट को आप अपने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं स्कैन एंड पे ऑप्शन का यूज करके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इसी के साथ, आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि जो भी कोई न्यू ऑफर या अपडेट आता है उसकी पोस्ट जो है सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूं। तो आपसे भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो कंप्लीट प्रोसेस को लाइव दिखाने के लिए मैंने यहां पर अपने जुपिटर एज पे लेटर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एप्लीकेशन को होम पेज पर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑसम, यू आर एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग क्रेडिट लिमिट 10,000 रुपीज, जो कि मुझे 15 दिनों तक का यूज करने के लिए मिल जाएगा, यानी 10,000 रुपए 15 दिन तक मैं यूज कर सकता हूँ। और इससे आगे का प्रोसेस अब मैं आपको कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपने यहाँ तक इस प्रोसेस को किया है तो। तो चलिए मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे प्रेस करूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो 3 स्टेप में हमारा ये जो लिमिट है अनलॉक हो जाएगा और हम इस लिमिट को यूज कर पाएंगे। पहला जो है, आपको अपना आधार और पैन कार्ड जो है डिजिटली फैच करवाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपना पर्सनल डिटेल एंटर करना पड़ेगा, जैसे कि एड्रेस, ऑप्शन और रिव्यू करके आपको सबमिट करना है। उसके बाद जो है 2 मिनट का वीडियो कॉल जो है इनकी एजेंट के साथ में आपको करना पड़ेगा, तब आपको ये लिमिट अनलॉक हो जाएगा और आप इस लिमिट को स्कैन एंड पे के जरिए अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर पाओगे। तो चलिए हम इस प्रोसेस को अभी कंप्लीट करते हैं आपके सामने ही और आपको लाइव दिखाते हैं किस तरह से आप भी जुपिटर एज पे लेटर को एक्टिवेट कर सकते हो और इस लिमिट को यूज कर सकते हो। वीडियो कॉल का ऑप्शन मैं ये पहले एप्लीकेशन में देख पा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे पे लेटर को एक्टिवेट किया है जहां पर इस तरह का प्रोसेस तो नहीं होता है, लेकिन आधार पैन कार्ड वेरीफाई होता है, पर्सनल डिटेल्स तो आपसे पूछते हैं, वीडियो कॉल वगैरह का प्रोसेस नहीं है। लेकिन इसमें वीडियो कॉल का भी एक न्यू फीचर ऐड कर दिया गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, जो इनको ट्रस्ट होना चाहिए वो हमें करवाना है, तभी तो हमें यहां पर लिमिट मिल रही है ना, तो चलिए हम वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन को कंप्लीट करते हैं, जिसके लिए हम फैच डॉक्यूमेंट डिजिटली वाले ऑप्शन पे जो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन बना है उस पर मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देंगे। तो हमारा पैन कार्ड पहले से यहाँ पर सबमिट था, इसलिए पैन कार्ड का डिटेल्स आ चुका है। सो मैं यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देता हूँ। सो हमारा आधार और पैन कार्ड का डिटेल जो है फैच हो चुका है। अब हमने पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पे कंटिन्यू का जो ऑप्शन बना हुआ है उस पर क्लिक कर देना है, देन अगेन यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। तो आपका जो भी आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस मेंशन होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको न्यू एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नया एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी एड्रेस पर विजिट कर रहा हूँ अभी, तो इसलिए इस वाले एड्रेस को सिलेक्ट करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे प्रेस कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आप एक सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या जो भी आप वर्क करते हो उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई पर्सन स्टूडेंट है तो उनके लिए भी ये एप्लीकेशन काफी काम की हो सकती है, अगर उन्हें किसी और एप्लीकेशन में एलिजिबिलिटी या क्रेडिट लिमिट नहीं मिला है तो वो इस एप्लीकेशन में ट्राई कर सकते हैं, आप एक स्टूडेंट है तो, क्योंकि यहाँ पर ये जो लिमिट है सभी को प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सर्विस, रिटायर्ड, एग्रीकल्चर प्रोफेशनल, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, तो उन सभी को ये जो क्रेडिट लिमिट है प्रोवाइड किया जा सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर एक बिजनेसमैन का सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको रिलेशनशिप टाइप सिलेक्ट कर लेना है, जिनका नेम आपको एंटर करना है, फादर, मदर या अपने वाइफ का भी नेम एंटर कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक को सिलेक्ट करके उनका नेम एंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देते हैं। तो जो भी डिटेल आपने सबमिट किया हुआ उसको रिव्यू करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप एक बार इसको रीचेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो आप इसको रिसबमिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको लगता है कि सारी डिटेल्स आपने सही सही फुलफिल की है
तो यहाँ पर इसके टर्म्स एंड कंडीशन को आपने एग्री कर देना है और लुक्स गुड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका सेकंड स्टेप भी जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर रह चुका है वीडियो कॉल का वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, तो चलिए हम उस पर भी कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो वेरिफिकेशन के लिए आपको 2 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ पर हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देते हैं। देन आपके डिवाइस के लोकेशन की परमिशन मांगी जा रही है, तो वो भी मैं अलाउ कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो कॉल है एजेंट के साथ में कनेक्ट हो रहा है, तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और जो भी कन्वर्सेशन होगी वो आपको इस वीडियो में सुनने को मिल जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। गुड आफ्टरनून मैम, ओके मैम, मैं आस्क यू फॉर मैंडेटरी क्वेश्चन सर। ओह यस मैम, चल सर। व्हाट इज योर मोबाइल नंबर? 40979। ओके, व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज डेट 15th मई। ओके सो व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? 1993। ओके, थैंक यू फॉर द परमिशन, प्लीज स्टे ऑन एंड आई एम कैप्चरिंग लाइव लोकेशन। ओके राइट, thank you sir, location has been captured successfully. Main caption please, can you show your face inside the circle? Sure ma'am. Just hold on. Thank you sir, face has been captured successfully. Thanks. Just give me a moment, I'm checking with the other and band details, okay? Okay. Thank you sir, thank you for your valuable time. We have completed the VKYC process. After a few minutes, you can check the verification status for Jupiter Edge application sir. Right. So, जैसे ही आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेट गोइंग चैम, यू हैव कंप्लीट ऑल दी स्टेप्स, वी आर रिव्यूइंग योर रिकॉर्ड्स, दिस मे टेक सम टाइम, वी विल नोटिफाई योर वंस 10,000 क्रेडिट इन अनलॉक्ड। तो यहाँ पर कुछ टाइम लग सकता है, लगभग 2 से 4 मिनट, 10 मिनट जो भी टाइम लगना होगा वो लगेगा, उसके बाद में आपको जो लिमिट देना होगा वो अनलॉक हो जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पाए होंगे कि मैंने सारी जो स्टेप्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, मेरे केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो चुका है, वीडियो कॉल भी कंप्लीट हो चुका है और वीडियो कॉल में जो मैंने कन्वर्सेशंस है वो इंग्लिश में ही स्टार्ट कर दी थी और इंग्लिश में ही कंप्लीट कर लिया। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो वहां पर आप लैंग्वेज चेंज करने का रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं उनसे कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, आपकी जो मदर टंग है या आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करके उनसे वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके पास में अवेलेबल है, आप इसका यूज कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया से कुछ टाइम लग सकता है आपको यहाँ पर जो लिमिट मिला है उसको अनलॉक होने में, तो थोड़ी देर का वेट कर लीजिए। तो चलिए हम कुछ टाइम तक वेट करते हैं और इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो लिमिट मुझे मिला है उस लिमिट को यूज करके दिखाऊंगा और उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा और इसके रीपेमेंट वगैरह भी करके दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो मैं मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।